पुष्कर नए चिकित्सालय की प्रस्तावित भूमि को लेकर संत समाज आया आगे। अखिल भारतीय रायका समाज के संत रघुनाथ दास जी महाराज ने मांग की कि नवीन चिकित्सालय पुष्कर की पत्रकार कॉलोनी के पास भूमि पर ही बने। ज्यादा ठीक लगती है आपको या आपको? हमारे को तहसील के पीछे जो जगह है वो तहसील के पीछे जगह है वो आम पब्लिक के लिए। आज हमारी बहन बेटी रात तक कोई तकलीफ हो गई है, साधन नहीं मिला है, तो 200 रुपया मांगेगा टैक्सी वाला देना पड़ेगा, 500 रुपया मांगेगा देना पड़ेगा, और वहां पर जो जाएगी हमारी गरीब औरत और गरीब आदमी तो निःशुल्क जाएगा, पैदल पैदल चला जाएगा। वो 1 किलोमीटर पड़ता है, वो 4 किलोमीटर पड़ता है। और अब जब सरकार ने यह सरकार ने दिया, इसके वास्ते हम जो है सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, आपके हाथ की बात। यही सरकार की जमीन है, वही सरकार की जमीन है। राज्य सरकार को संशोधन करना होता तो पक्की कर चुकी होती। अब तो अलॉटमेंट ही जारी कर दिया, चिकित्सा विभाग को उसका जो है वो आदेश भी सौंप दिया। ऐसे में अब आपकी क्या रणनीति है? अब जो सरकार ने ये जो है चीज तैयारी कर दी, समाज सरकार ने जो है इसके ऊपर अमल ही कर लिया, प्रस्ताव भेज दिया, तो इसमें सरकार संशोधन कर सकती है। धनी का धनी कौन है? कोई ऐसी बात नहीं हुई है, शिलालेख नहीं रखा है, प्रस्ताव भेजा है। 10 जगह का प्रस्ताव हो सकता है और 10 जगह के ऊपर ये चीज बन सकती है। और वो इतने मतलब भविष्य के मायने आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां उनको भुला नहीं जा सकता है। वैसी हमारी जो है भावना है कि पुष्कर राज का ऐसा ही विकास होना चाहिए। गुरुजी, आपने मुख्यमंत्री से या उनसे कभी मांग करी या ऐसा कुछ लेटर लेटर दिया है जैसे अस्पताल को लेकर आप बता रहे हैं? कि कई बार यहाँ मिनिस्टर लोग आए, उनके सामने हम मांग रखी है, बाकी उन्होंने आश्वासन दिया है। जो भी यहाँ पर आते हैं, हाई कोर्ट के जज आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, मंत्री आते हैं, नेतागण आते हैं और वो पूजा करते हैं, हमारे आस्था के बराबर उनकी आस्था है। हिंदू संस्कृति का सबसे दुर्लभ चीज है ये, वेद वेद यहां से उत्पन्न हुए। सतयुगे पुष्कर राजे द्वापरे नेमि सारणे त्रेत्राये कुरुक्षेत्रे कलियुगे गंगा। 4 युग है, 4 युग में 4 तीर्थों की मर्यादा है। ये सतयुग का है, ब्रह्मा जी की नगरी है और आस्था लेकर के आते हैं। और यहां से अब कोई आप मुख्यमंत्री से या चिकित्सा मंत्री से बात करेंगे, उन्होंने वो अलॉट कर दी जमीन? आने वाले मतलब जो समय में हम मांग करेंगे, सरकार से करेंगे, चिकित्सा मंत्री साहब से करेंगे, मुख्यमंत्री साहब आए उनसे करेंगे, वो बहाने वाले हैं। और हमारी जो शहरवासियों की हमारी जो नगर की भावना है वो जरूर उस पर अमल करेंगे। आगे उनकी मर्जी है, कहना हमारा धर्म है, मार्गदर्शन देना हमारा धर्म है, और वो जो है चीज सोच विचार करके करें, शांति से करें, जल्दीबाजी में नहीं करें। चाहे 6 महीना लगे, चाहे 3 महीना लगे, चाहे 12 महीना लगे, पर महामारी ऐसी चीज बननी चाहिए जिससे आधुनिक समय के मायने वो व्याख्या का वह कोई हॉस्पिटल है पुष्कर राज में, और कम से कम 200 गांव अजमेर नहीं जाकर के हमारे हॉस्पिटल में आवे। और हम तैयार है, पूरी समाज तैयार है, छत्तीस जात तैयार है, सबकी भावना यही है कि आधुनिक हॉस्पिटल होना चाहिए। और हमारे जो है साहिब बाबा मुख्यमंत्री जी अशोक जी है, उनके जल कमलों से ही उनका उद्घाटन हुआ है और उनके सानिध्य में वो काम होना चाहिए, ये हमारी मन की इच्छा है। थोड़ी सी मेहरबानी करे सरकार हमारे नगरवासी, और हम जो है एक मत होकर के, पूरी नगर का एक मत होकर के एक ही आवाज उठावे कि हमारी चीज ऐसी बने, आने वाला भविष्य में हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियां वो काम करती रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी आत्मा संतुष्ट हो। एक विचार करने की बात है, कमी नहीं है। और दूसरी बात है, सरकार जो चाहे तो जन सहयोग भी दे सकती है, हम देने के लिए तैयार हैं, हम खून देने के लिए तैयार हैं, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। ये सार्वजनिक काम है, जनहित का काम है, कल्याण का काम है, पर हमारा ऐसी चीज बने आधुनिक समय के अनुसार आधुनिक तरीका से जो हॉस्पिटल हो और सब तरह की सुविधा। और नगर के मुख्य मुख्य जो आदमी है उसमें सहयोग ले, उनकी देखरेख में हॉस्पिटल चले,
ट्रस्ट बनाया था वे सरकार की तरफ से, जो कलेक्टर है, एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, 3-4 आदमी उनके और बाकी हमारे नगर के 25 आदमी, उस हॉस्पिटल उनकी देख रेख में चलता रहे और कोई तरह की कमी नहीं रहे। हमारी आत्मा की यही आवाज है, ये 4 चीज हमारे नगर में होनी चाहिए। लापरवाही चल रही है, सफाई की लापरवाही चल रही है, लाइटा की लापरवाही चल रही है, कर्मचारी हाई हो रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, लूट कसूट आम रस्ते से हो रही है। कोई कहने वाला नहीं है नगर में, ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जो उन लोगों को थोड़ा अंकुश करे। मर्यादा से रहो, मर्यादा से आने वाला जो यात्री आता है उसको शांति दो, आप शांति से रहो। परिक्रमा में जो लोग जाते हैं, जगह जगह गंदगी पड़ी है, जगह जगह कांटे पड़े, जगह जगह मतलब आस्था खत्म हो रही है, और हजारों लोग हमारी आस्था की जगह थी, वो प्रकृति की देन ऐसी थी कि जो नई चीज होनी थी वो पुष्कर राज में होती थी। आज जब हमारी आस्था कम हो रही है, क्यों? कि प्रदूषण फैल रहा है, इस कारण से हमारे यहाँ के लोगों की आस्था खत्म हो रही है। यात्री की तो वो देखते ही भिड़ के। आज कुरुक्षेत्र को देखो, शिवसेना के आदित्य ठाकरे के 31वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर पुष्कर शिवसेना के नेता श्याम सुंदर पाराशर, नाथूलाल पाराशर, युवा सेना के आशुतोष पाराशर, अमृत पाराशर ने आदित्य ठाकरे के जन्म दिवस पर पुष्कर की ब्रह्म पुष्कर गौशाला में जाकर सैकड़ों गायों को हरा चारा खिलाया व बंदरों को फल खिलाकर आदित्य ठाकरे का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। पुष्कर की गौशाला में गायों को चारा खिलाते हुए